सबसे पहले हम ये देखेंगे आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, हूणों का आक्रमण। दोस्तों हूणों का सबसे पहले आक्रमण हुआ था मिहिर कुल स्कंद गुप्त के समय में हुआ था, जो कि गुप्त शासक था स्कंद गुप्त, जो कि 455 से लगाकर 467 ईस्वी तक उसने मगध में राज्य किया था। ये जो हूणों का आक्रमण है ये गुप्तों के समय से ही प्रारंभ हो गया था। ठीक है दोस्तों, हूण होते क्या है? हूण एक मध्य एशिया की खानाबदोश जाति थी। ठीक है, हूण एक मध्य एशिया की खानाबदोश जाति थी। ठीक है दोस्तों, ये मध्य एशिया, वर्तमान समय में मध्य एशिया आप देख सकते हो, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये जो आप सेंट्रल एशिया है, रूस और चाइना के पास में मध्य एशिया सेंट्रल एशिया है। इस सेंट्रल एशिया से ये हूणों का आक्रमण हुआ था, और हूणों का आक्रमण सबसे पहले हुआ था स्कंद गुप्त के समय में। स्कंद गुप्त का समय है 455 से 467 ईस्वी में। दोस्तों स्कंद गुप्त कुमार गुप्त महेंद्रादित्य का पुत्र था, राइट बात? ठीक है, ये हूणों का सबसे पहले जो स्कंद गुप्त के समय में आक्रमण हुआ था, ये वर्णन मिलता है दोस्तों में जूनागढ़ अभिलेख के अंतर्गत। इसके साथ ही हमें वेतरी अभिलेख में भी स्कंद गुप्त का हूणों के ऊपर जो आक्रमण हुआ था स्कंद गुप्त के समय में, उसका वर्णन हमें दो अभिलेख से मिलता है, एक तो जूनागढ़ अभिलेख और एक आपके वेतरी स्तंभ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जो है दोस्तों ये स्कंद गुप्त का है, ये जूनागढ़ गुजरात में आया हुआ है, और मैंने आपको कहा था कि स्कंद गुप्त के समय आपके जूनागढ़ प्रशस्ति का उल्लेख मिलता है, जिसमें पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त के समय जो सुदर्शन झील हुई का निर्माण हुआ था उसका पुनरुद्वार स्कंद गुप्त के समय में भी हुआ था। ठीक है दोस्तों, स्कंद जो गुप्त के समय सौराष्ट्र गवर्नर था चक्रपाल, उसके समय में उसने सुदर्शन झील का पुनरुद्वार करवाया था, तो जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त से भी रिलेटेड है, अशोक से भी रिलेटेड है, और आपके चंद्रगुप्त मौर्य से भी रिलेटेड है, और रुद्रदामन से भी रिलेटेड है। ये चार शासक है जिनसे जूनागढ़ अभिलेख रिलेटेड है। सबसे पहला चंद्रगुप्त मौर्य के समय जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण हुआ, उसके बाद में आए अशोक, उसके बाद में रुद्रदामन, और रुद्रदामन के बाद में स्कंद गुप्त। ये चार शासक दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख से रिलेटेड है। तो जूनागढ़ अभिलेख में स्कंद गुप्त ने लिखवाया कि मेरे समय में हूणों का आक्रमण हुआ था, उस आक्रमण को स्कंद गुप्त के द्वारा पूर्णतया रोक दिया गया था। तो भारत गुप्तोत्तर काल में हूणों के आक्रमण से बच गया, लेकिन स्कंद गुप्त के समय में जो हूणों ने आक्रमण किया था, इससे गुप्तों की अर्थव्यवस्था बहुत ही धराशायी हो चुकी थी दोस्तों। इस कारण से गुप्तों के सिक्के ज्यादा वजन वाले और ज्यादा खोट मिली हुई पाई गई। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्कंद गुप्त के समय में जो हूणों का आक्रमण हुआ था, इससे गुप्तोत्तरकालीन अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। और दोस्तों चांदी के लास्ट सिक्के चलाने वाला स्कंद गुप्त ही था, मतलब चांदी भारत के अंदर कम होने लग गई थी, इसलिए गुप्त स्कंद गुप्त वाले के बाद में जितने भी शासक आए हैं उन्होंने चांदी के सिक्के नहीं चलाए। और मजे की बात देखिए दोस्तों, हूणों ने आपके केवल सिक्के चलाए हैं वो तांबे के और चांदी के ही चलाए हैं, सोने के सिक्के उन्होंने भी नहीं चलाए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो आए दोस्तों पश्चिम उत्तर भारत से आए, और यहां पर सबसे पहले कुषाणों का राज था, मौर्य उत्तर काल में कुषाणों का राज था, और ये जो हूण है वो कुषाणों के सामंत थे। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि दोस्तों हूण शासक केवल दो हुए, एक तो तोरमान और एक मिहिर कुल।
राइट बात। तोरमान और मीरकुल, केवल ये दो गुण शासक है वो इंपॉर्टेंट है। मीरकुल का हमें एक सिक्का मिला है दोस्तों, उस सिक्के में वृषभ की आकृति, नंदी मतलब नंदब बैल, नंदी की आकृति और उस सिक्के के पीछे लिखा हुआ था जयंतु वर्षम। क्या लिखा हुआ दोस्तों? नंदी की आकृति मिली और जयंतु वर्षम मिला है। उसमें ये जो ये सिक्का मिला है उससे हमें ये पता चलता है, ठीक है दोस्तों। अब इसके साथ ही तोरमान का भी जो सिक्का मिला है उसमें उनका नाम मिला है शाही जरूबल, शाही जरूबल दोस्तों। साहू शाही जो उपाधि है वो कुषाणों की है और कुषाण दोस्तों यहाँ पे राज करते थे और जोबल का मतलब होता है सामन, तो शाही जोबल जो उपाधि है वो तोरमान की थी जो कि 500 ईस्वी के आसपास सबसे पहला मूल शासक हुआ। 500 ईस्वी के आसपास मतलब गुप्तोत्तर काल में, स्कंद गुप्त के बाद, स्कंद गुप्त 450 ईस्वी में, 545 साल बाद आया तोरमान स्कंद गुप्त के भी। क्यों? क्योंकि स्कंद गुप्त ने जो प्रथम हूण आक्रमण हुआ था उसको उसने रोक दिया था, इसलिए हूण भारत के अंदर जब तक गुप्त थे तब तक वो प्रवेश ही नहीं कर पाए। जैसे ही गुप्त साम्राज्य का विघटन हुआ उसी समय हूणों ने आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने वाला पहला शासक था दोस्तों तोरमान। हूण दोस्तों शिव मतावलंबी थे, मतलब भगवान शिव की पूजा करते थे, उनमें से वो बौद्ध धर्म को काफी कट्टर थे। तोरमान का बेटा था मीरकुल, मीरकुल दोस्तों बौद्ध धर्म का एक कट्टर शत्रु था। वो जैसे भी मीरकुल बौद्ध धर्म का कुछ भी देखता उसको तो तोड़ता, राइट बात। अब दोस्तों हूणों का प्रथम आक्रमण 450 ईस्वी में हुआ था, प्रथम आक्रमण ठीक है 5वीं शताब्दी में हुआ था, स्कंद गुप्त के समय में हुआ था। स्कंद गुप्त का समय है 455 से लगाकर 467 ईस्वी। स्कंद गुप्त की जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी स्तंभ अभिलेख, ये दो में तो हूणों का आक्रमण मिलता है, लेकिन स्कंद गुप्त की और भी जानकारी दोस्तों कहुम अभिलेख में भी मिलती है। और कहुम अभिलेख में स्कंद गुप्त को कहा गया शक्रोपम, क्या कहा गया दोस्तों? शक्रोपम कहा गया, जबकि जूनागढ़ अभिलेख में स्कंद गुप्त को कहा गया श्री परिषिप्त वक्षा, श्री परिषिप्त वक्षा नाम दिया गया है उसका जूनागढ़ अभिलेख में, जबकि शक्रोपम नाम दिया गया है उसका कहोम अभिलेख। तो दोस्तों ये जीआरएफ नेट में क्वेश्चन आ चुका है, ये आईएएस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है ठीक है, और आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम दोगे उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी नॉर्मल नहीं आएगा। बाकी मैं सीधा ये पूछा जाएगा कहोम जूनागढ़ और ये भीतरी स्तंभ लेख किससे रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों। अब तांबे और चांदी के सिक्के हूणों के द्वारा चलाए गए थे, जिसमें दोस्तों मीरकुल का चांदी का सिक्का मिला है जिसमें एक और नंदी और एक और लिखा हुआ था जयंतु वर्षम। ये मीरकुल शैव धर्मावलंबी था। तोरमान का समय था दोस्तों 500 ईस्वी और तोरमान के बारे में जानकारी मिलती है धन्य विष्णु के वरा अभिलेख से। दोस्तों ये धन्य विष्णु उसका समकालीन था तोरमान का 500 ईस्वी के आसपास, उनके वरा अभिलेख के अंदर तोरमान की जानकारी मिली। इसके अलावा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है हूणों की जानकारी देने वाला पूरा अभिलेख, पूरा अभिलेख दोस्तों तोरमान के बारे में जानकारी देता है, जिसमें पूरा अभिलेख में तोरमान के आगे लिखा हुआ शाही जौबल। शाही का मतलब ये कुषाणों की उपाधि होती थी शाह, और जौबल का मतलब होता है सामन, अर्थात कुषाणों के सामन तोरमान, जिससे ये पता चलता है कि ये पहले हूण है वो कुषाणों के आपके सामन। तो कुषाण आप जानते हैं दोस्तों ये यहाँ से कुषाण, ये यहाँ पर राज करते थे और कुषाण भी मध्य एशिया से ही आए और कुषाणों का सबसे महत्वपूर्ण शासक था कनिष्क और ये मौर्य काल की जाति कुषाण, ठीक है दोस्तों। अब मीरकुल, मीरकुल तोरमान का पुत्र था, इसको दोस्तों हराया था दो शासकों ने, स्कंद गुप्त के बाद में आया था महान शासक नरसिंहगुप्त बालादित्य। नरसिंहगुप्त बालादित्य की जानकारी मिलती है मंजूषी मूल कल्प के अंतर, मंजूषी मूल कल्प में ये बताया जाता है कि नरसिंहगुप्त बालादित्य ने दोस्तों मीरकुल को पराजित किया था और नरसिंहगुप्त बालादित्य के मां के कहने पर मीरकुल को छोड़ दिया गया था, ये जानकारी हमें मिलती है आर्यशी मंजूषी मूल कल्प। ये जीआरएफ में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ध्यान रखना। और
ये नरसिंहगुप्त बालादित्य आप जानते हो, ये मगध गुप्त, इसके अलावा मीरपुर को दूसरा एक और शासक ने पराजित किया था जिसका नाम है यशोधर्मा। ये यशोधर्मा ओलिकर वंश था। और दोस्तों यशोधर्मा का बहुत ही इंपोर्टेंट अभिलेख है जिसका नाम है मंदसौर प्रशस्ति, जिसका रचयिता था वासुल। वासुल ने मंदसौर प्रशस्ति लिखी थी और वासुल ने मंदसौर प्रशस्ति में कहा कि यशोधर्मा ने भी मीरपुर को पराजित किया। यशोधर्मा को उसने उपाधि दी थी जिनेन्द्र। ये जिनेन्द्र उपाधि मिली थी दोस्तों मंदसौर प्रशस्ति के अंदर वासुल के द्वारा जो लिखा गया है इसके अंदर। अब दोस्तों आप जानते हो कि गुप्त अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। ये अंतिम गुप्त शासक था, उसके बाद में गुप्त साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हो गया। अब दोस्तों गुप्त साम्राज्य का पतन होगा तो गुप्त साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था तो विकेंद्रीकरण होगा, क्योंकि गुप्तों ने अंतिम में अपने जो छोटी छोटी राज्य है वापस सामंत नियुक्त कर दिए थे, तो विकेंद्रीकरण की स्थिति इस उत्पन्न हो गई थी। उन सामंतों ने अपने अपने नए अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, तो स्वतंत्रता की घोषणा कर दी तो नए क्षत्रिय राज्य बनने प्रारंभ हो गए और क्षत्रियता की भावना का विकास हुआ। इसी क्षत्रियता की भावना से सामंतवाद का विकास होता है गुप्तोत्तर काल में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सामंतवाद का विकास सब होता है। उस सामंतवाद का विकास होने से केंद्रीय शक्ति कमजोर हो गई और केंद्रीय शक्ति कमजोर होने से गुप्तों का विनाश हो गया, गुप्त खत्म हो गए दोस्तों। और आप जानते हो इन गुप्तों की जगह ली पर्वती गुप्तों ने। ये पर्वती गुप्त दोस्तों ये पर्वती गुप्त दो जगह राज करते थे, एक तो मालवा में और एक मगध में, जिसका वर्णन हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। मालवा और मगध में पर्वती गुप्त है। अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त और प्रथम गुप्त शासक श्रीगुप्त था और अंतिम था विष्णुगुप्त। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब क्षत्रिय राजवंशों का उदय हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुप्तोत्तर काल में दोस्तों केवल 5 राज्य